संसद के दोनों सदनों से सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ों को 10% आरक्षण देने वाला बिल पास हो गया है। लोकसभा में 2/3 से ज्यादा बहुमत से पारित होने के बाद राज्यसभा में इस बिल पर लंबी चर्चा हुई और यहां से भी संविधान में 124वें संशोधन को हरी झंडी मिल गई है, जिससे आरक्षण का रास्ता भी साफ हो गया है। इससे पहले दिन भर चली चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव जब अपनी राय रख रहे थे, तो इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अमित शाह ने बड़े संकेत दिए हैं। अपने बयान में जब राम गोपाल यादव कह रहे थे कि जो फैसला सरकार ने लिया है उसके दायरे में आने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, 98% उच्च जाति के गरीब लोगों को 10% आरक्षण और 2% अमीर स्वर्णों को 40% आरक्षण, ये कहाँ है समता का अधिकार। इस पर अमित शाह ने अपनी सीट से ही कहा कि मेरिट वाले में कोई भी गरीब बच्चा आ सकता है, फिर चाहे वो दलित हो या आदिवासी। सदन में चर्चा के दौरान अमित शाह और राम गोपाल यादव के बीच बहस भी देखने को मिली। दरअसल राम गोपाल यादव ने कहा कि जिन गरीबों को फायदा पहुंचाने की बात सरकार कर रही है उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि मेरिट का आंकड़ा आपने छोटा कर दिया और संख्या को बढ़ा दिया है। इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि जब आप मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं तो क्या तब मेरिट की संख्या कम नहीं होती है। आपको बता दें कि राज्यसभा में करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद 165 मतों से इस विधेयक को मंजूरी मिल गई है और अब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का ही इंतजार है। ये खबर आपको कैसी लगी, आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को भी सब्सक्राइब कीजिए।